नमस्कार, स्वागत है हमारी फिर से एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज हम ये आपको जानकारी बता रहे हैं, ट्रैक्टर का अल्टरनेटर हो या किसी भी साधन का अल्टरनेटर हो, ज़्यादातर सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम आती हैं या स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको कि अल्टरनेटर के बारे में मैं बता देता हूँ। सेल्फ की प्रॉब्लम अलग होती हैं, उसके बारे में भी हम कई वीडियो बना चुके हैं, और आपको देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट करोगे तो उसके बारे में भी एक वीडियो आपको बनाकर शेयर करेंगे दोस्तों। तो पहले मैं आज अल्टरनेटर के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकती हैं बैटरी डिस होने की, तो ये करंट निकालना छोड़ देता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका, जो आप अल्टरनेटर को बिना खोले ही आप खुद चेक कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं बिना मिस्त्री को दिखाई, ठीक है, मिस्त्री को दिखाने से पहले आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं ये सही है या ख़राब है। तो आप इसको अपने घर पर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ, बहुत इजी तरीका मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं। और आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ 10 रुपये के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं, वो कैसे, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर किसी भी साधन के अंदर लगे हुए हैं तो सिर्फ अल्टरनेटर का एक आप देख रहे हैं, जो बैटरी का वायर आता है मेन जाडा वाला वायर लगा हुआ होता है यहाँ पर इस नट के अंदर, 10 नंबर नट के अंदर, ठीक है। और दूसरा वाला वायर लगा हुआ होता है जो पतला वाला वायर, जो इस ब्लेडों के अंदर लगे हुए हैं पत्ती टर्मिनल में, यहाँ पर लगता है। सिर्फ आप 2 वायर से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी ट्रैक्टर के अंदर या गाड़ी के अंदर अगर वायरिंग प्रॉब्लम कर रही है, शायद हो सकता है वायरिंग कटवाने की वजह से वायर ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से भी अल्टरनेटर करंट छोड़ देता है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, और हो सकता है वायरिंग की प्रॉब्लम होगी तो आप, मैं ये बताऊंगा जो सिस्टम से आप ये अल्टरनेटर ठीक हो जाएगा दोस्तों 20 रुपये के खर्चे में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हम आपको ये बताएँगे ये एक अल्टरनेटर है। अब अल्टरनेटर के अंदर एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको एक कनेक्शन, मतलब ये 20 रुपये का जुगाड़ है दोस्तों, ये 20 रुपये का बल्ब है दोस्तों, ठीक है। अब 10 रुपये का बल्ब है, 10 रुपये का होल्डर है, ठीक है, 20 रुपये का है। अब इसके अंदर 2 वायर लगाने हैं, इस बल्ब के अंदर इस तरीके से दोनों पत्तियों के ऊपर 2 वायर लगाना है, ठीक है। दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को आपको लगाना है इस नट के अंदर, दूसरे वाले वायर को लगाना है इस टाइप की पिन ले लेनी है आपको, जैसे मैंने इसके अंदर पिन लगा रखी है, ठीक है, ये टर्मिनल है, वायर क्लिप है। अभी इस 2 वायर लगे हुए हैं, जिसके अंदर एक वायर ये लगा लेना है, या आप हो सकते हैं इसके अंदर कैसे भी सेट कर सकते हैं, इसके अंदर लगाना है ऐसे। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर इस पिन को आप लगा रहे हैं तो पिन के अंदर ही लगी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इस तरीके से बॉडी के कहीं टच हो रही है तो ये पता नहीं चलेगा इसका, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने एक वायर को इसके अंदर जोड़ दिए हैं, ठीक है, ये वाला वायर, और दूसरा वाला वायर आ रखा है ये वाला, जो हमने इस टर्मिनल के ऊपर लगा देना है, ठीक है। और जो पहले की जो पिन लगी हुई होती है यहाँ पर, उसको आपको हटा लेनी है, उसकी जगह इसका वायर लगा लेना है, ठीक है। अगर उसके अंदर वायरिंग में अगर फॉल्ट होगा तब आपको वो कनेक्शन हट जाएगा, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों कनेक्शन करना है, खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लगे हुए अल्टरनेटर को ही ठीक करेंगे आप दोस्तों। एक वायर हमारा, जैसे हम, मैं बता देता हूँ, ये वायर तो हमने इसके अंदर कमेंट कर रखा है ऐसे ही, ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन ले सकें, ठीक है। और ये अब होल्डर बत्ती है, इसका 2 वायर आ रखा है, ये देख सकते हो। अब इस दोनों वायर में से एक वायर तो गया डायरेक्ट इसके अंदर, ठीक है, और दूसरा वायर गया है इस पिन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पहले से वो जो आपके लगा हुआ वो जाडा वाला वायर, उसको आपको लगे रहना रखना है, ठीक है, उसका वायर को नहीं हटाना है, सिर्फ इसके वायर को हटाना है।
बैटरी का करंट वाला वायर होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से आप इस बल्ब को यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं और उसके बाद में आपको गाड़ी को स्टार्ट करके देखना है अगर ये बत्ती जल रही है। ठीक है, पहले तो स्टार्ट बिना किए ही बत्ती जलनी चाहिए। ठीक, बत्ती जल रही है और उसके बाद में आपको स्टार्ट करके देखना है। स्टार्ट करते ही हल्की सी एक्सीलेटर देंगे, उसके बाद में ये बत्ती बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारा अल्टरनेटर सही है, करंट निकाल रहा है। ठीक है, इस वायर को हटाकर इसका लगा देंगे, पहले वाले वायरिंग के जो वायर लगा हुआ होता है उसको हटाकर इसका लगाना है आपको। अगर वायरिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से ये इस तरीके से डायरेक्ट करंट निकल जाएगा। 20 रुपये के अंदर आप इसको घर पर रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती हैं, वायर पिन लूज हो जाती हैं, वायर कट हो जाता है, वायरिंग की डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक 20 रुपये का तरीका आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं और ये स्टार्ट करते ही अगर बंद हो रहा है बल्ब तो अल्टरनेटर करंट निकाल रहा है, और बंद करते ही अगर ये वापस जल रहे हैं तो ये अल्टरनेटर एकदम ओके है दोस्तों। तो जानकारी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को, ताकि ऐसी वीडियो आपको और सारी मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, इस तरीके से।